हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं रेडिक्स शॉर्ट। शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। रेडिक्स शॉर्ट है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी हमने शॉर्टिंग पढ़ी है, सब में क्या करता था कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ क्या करता था, कंपेयर करता था। लेकिन रेडिक्स शॉर्ट क्या होता है? नॉन कंपेरिजन एल्गोरिथम। यानी नॉन, इसमें कोई भी हम कंपेयर नहीं करते हैं। एक ऐसी एल्गोरिथम है जहाँ पे कंपेरिजन का कोई काम नहीं होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, हमें इसको शॉर्ट करना है, ठीक। इसे शॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो पहला रूल है, कंपलसरी नहीं होता कि इसे हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये अगर हम फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम यही कहता है कि हमें इस रूल को फॉलो करना चाहिए। वो रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हम इसमें हाईएस्ट बिट की वैल्यू को काउंट करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये सबसे बड़ी, अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ वाइज हम काउंट करेंगे। तो सबसे बड़ी लेंथ क्या है? 1, 2, 3। हमारे तीन डिजिट की क्या है हमारे पास लेंथ अवेलेबल है, ठीक। तो सेकंड रूल ये कहता है, आपका सेकंड रूल ये कहेगा कि हमें बाकी बिट, अगर कोई बिट छोटी है, अगर कोई बाकी बिट अगर छोटी है तो उनको भी हमें क्या करना है, इसके साइज के बराबर करना है। तो कैसे करोगे? जो बाकी बिट है उनके आगे क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पे जीरो, जीरो लगा देंगे तो सबके तीन तीन बिट हो गई, सबको जीरो कर लेते हैं, ठीक। हमने यहाँ तक करी है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा। हमने कुछ एकदम सिंपल था, पहले हमने करीब काउंट की कितनी बिट हो सकती है, उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया। जीरो क्यों लगाया? ताकि इनकी वैल्यू को कंपेयर कर लें। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे यूनिट बिट, या फिर कह सकते हो लिस्ट बिट। लिस्ट क्या होता है? मैंने कहा था जो पहली वैल्यू होगी वही लिस्ट बिट होगी, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं मैथ में, यूनिट, टेंस, ऐसा करके पढ़ते हैं, 100, 1000, तो वही चीज है। तब सबसे पहले मैं यूनिट बिट को लेता हूँ या लिस्ट बिट को लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ छोड़ दो, इधर का जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया भूल जाओ, इधर कुछ लिखा है, हमें खाली इसको शॉर्ट करना है। इसे शॉर्ट करना है, इस वाले को, इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं स्टेप वन में। स्टेप वन में तो सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, वन। हमने यहाँ पे वन लिखा, ठीक। वन के आगे क्या है? 001 है, तो मैंने 001 लिखा, ठीक। उसके बाद इससे छोटी कौन सी मिल रही है हमें, यहाँ पे देखो 4, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तीन 4 मिल रहे हैं। तो तीन 4 मिल रहे हैं यहाँ पे, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, मैंने कहा कंपेरिजन नहीं करना है। तो जो 4 मिल रहा है, सबसे पहले हम हमेशा टॉप पे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? टॉप से। तो जो पहली वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? 904। यहाँ पे मैं लिखूंगा 904। नीचे आए और कहीं 4 मिल रहा है, यहाँ पे 074, फिर 064, ठीक। कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास? 046, अच्छा 005, ठीक, 046, कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है, देखो शॉर्टेड है, 144456, ये वाली हमारी पूरी बिट क्या हो गई है? शॉर्ट। अब क्या करेंगे? सेकंड वाली बिट के लिए शॉर्टिंग करेंगे, सेकंड वाली बिट के लिए शॉर्टिंग करेंगे, ठीक। अब स्टेप टू हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो सेकंड बिट ऑलरेडी 00 है, तो मतलब ये शॉर्टेड है। फिर आगे आएंगे 001, अगले पे पढ़े, यहाँ पे भी देखो 0 अवेलेबल है। जो 0 अवेलेबल है, हमने क्या कहा कि प्रायोरिटी चेंज नहीं करेंगे। प्रायोरिटी मतलब ये पहले 0 मिल रहा है तो पहले ही रखेंगे। इसको कर देते हैं 904, फिर यहाँ मिला है 005, अब सबसे छोटा क्या है? 4, 046, अब इससे बड़ा क्या है? 6, 064, फिर 074। अब देखो ये वाली भी लाइन शॉर्टेड है, 467 शॉर्टेड है, ठीक, क्लियर है यहां तक। अब इस वाली लाइन में आ जाएंगे स्टेप 3 में। अब यहां पर क्या करेंगे? इस वाली बिट को शॉर्ट करेंगे, यहां से शॉर्ट करेंगे सबसे पहले 001। अब हम 0 फाइंड कर रहे हैं, इससे 0 से छोटा कौन सा मिल रहा है? सारे 0 मिल रहे हैं, जो जैसे मिल रहा है उसको वैसे उतारते चले जाओ, कुछ नहीं करना है। 005, 046, 064, 074, लास्ट में क्या आएगा? 904। अब ये वाली वैल्यू देखो आप, एकदम ऑटोमेटिक शॉर्टेड है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 1, फिर 5, फिर 46, फिर 64, फिर 74, फिर लास्ट में 904। तो ये रेडिक्स शॉर्ट की एक टेक्निक है, आप जैसे ही इस टेक्निक को फॉलो करते हैं आपके पास डेटा है ऑटोमेटिक इस फॉर्म में आ जाता है, शॉर्टेड फॉर्म में। ये था सिंपल सा हमारा रेडिक्स शॉर्ट, क्लियर हुआ।